सकती रही हैं, और अब कहा जा रहा है कि शीत सत्र में इसे पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो राह कितनी मुश्किल कितनी आसान सरकार के लिए? देखिए बिल्कुल आसान, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है, और अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की ब्रीफिंग कुछ देर में होने वाली है, जिसमें इस बात की जानकारी भी यहां पर देश को दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कि न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में जब निर्मला सीतारमण आई थी तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जिस तरीके से अपना बयान दिया उसमें भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था, तो तब से ही इस बात का लग रहा था कि सरकार इस दिशा में बहुत जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है। और आज कैबिनेट की जिस तरीके से मीटिंग हुई उसमें मोहर लग गई है, और अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग होने वाली है बस कुछ ही मिनटों के बाद, इसमें इस बारे में जानकारी दी जाएगी, और माना यह जा रहा है जो जानकारियां मिल रही हैं कि शीतकालीन सत्र में ही इसको लाया जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि 2024 चल रहा है और इसके बाद 2029 में माना जा रहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, या इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष की जहां तक आपने बात की, देखिए कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि पहले हम देख लें प्रारूप क्या है, राज्यों को किस तरीके से कंक्लूड किया जाएगा, जिन राज्यों का कार्यकाल उस वक्त शुरू होगा या जिन राज्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, या क्या पूरा इसका एक प्रारूप तैयार किया है, वो यहाँ पर जब तक सामने नहीं आता तब तक विपक्षी अभी पूरी तरह से खुलकर इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से विरोधी दल लगातार इस पर विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अब इसका प्रारूप या तमाम जो क्लॉज इसमें लगाए गए होंगे या तमाम जो चीज़ें होंगी कि जिन जिन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जिनमें अभी चुनाव हुए हैं या जिनमें आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, ऐसे में उनका कार्यकाल क्या कम रहेगा, या फिर आगे कार्यकाल जिनका पहले ख़त्म हो रहा है उनका कार्यकाल क्या आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये तय करेंगी कि आगे आने वाले वक्त में एक देश एक चुनाव को लेकर के सरकार की जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो किस तरफ जा रही है, और आखिर विपक्ष का उस पर क्या रुख। रोकूंगी अनुपम आपको, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राष्ट्रीय दलवी साहब जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय दलवी जी, सरकार इसको चुनाव से पहले से कहती रही है कि इस बार सरकार में आएंगे तो उसको लागू किया जाएगा, अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और उम्मीद है कि शीत सत्र में से टेबल किया जाए, क्या रुख कांग्रेस का और क्या ऐतराज या समर्थन आपके? देखिए पहला तो यही नहीं पता कि किस तरह चुनाव कराएंगे, फिर इलेक्शन हो रहा है हरियाणा और कश्मीर में, वहां बीजेपी को ऐलान करना चाहिए कि वहां पे ये 5 साल का टर्म नहीं होगा, अब सिर्फ 4 साल का ही टर्म होगा, क्योंकि 4 साल के बाद तो पार्लियामेंट आ जाएगा, फिर आप एक साथ चुनाव कराएंगे। आने वाले चुनाव झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और जितने भी चुनाव आने वाले 1-2 साल में, उन सबको ऐलान करें कि अब ये सिर्फ 3 साल का टर्म है। असल में बीजेपी के पास कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया कैसे करेंगे? अगर किसी भी विधानसभा के अंदर सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि भाई जब तक दूसरा मुख्यमंत्री अपोजिशन तय नहीं कर देता माइनॉरिटी सरकार ही चलेगी, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी का खेल कर रहे हैं आप? एक साथ असेंबलीज और पार्लियामेंट का चुनाव आप नहीं करा सकते, असंभव है। अगर आप कराएंगे तो फिर माइनॉरिटी सरकारें चला करेंगी देश के अंदर, क्योंकि अगर विपक्ष के अंदर बैठे हुए, चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई दूसरा दल हो, अगर वो अपना मुख्यमंत्री पेश नहीं कर पा रहे तो आप कहेंगे जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं करते हैं यही सरकार चलती रहेगी, तो वो तो माइनॉरिटी सरकार होगी ना, तो कैसी डेमोक्रेसी रहेगी? कोई ब्लू प्रिंट नहीं है अपोजिशन के साथ, कोई विचार विमर्श नहीं है। कुछ कुछ जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं चर्चाओं में, उनमें ये है कि सभी विधानसभाओं को 2019 तक चलने दिया जाए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों और अगले 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हों, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चरिंग सामने आ रही है। देखिए ये इस देश में जहां 150 करोड़ की आबादी है ये संभव नहीं है, और अगर कोई ब्लू प्रिंट है सरकार के पास तो वो बताए कि भाई इस तरीके से चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि इस पर और जरा डिटेलिंग सामने आए, लेकिन आपने माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लेकर चिंता जताई है। हमारे साथ बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती रही हैं, अब उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि इसका कोई ब्लूप्रिंट पहले सामने आए तब तो विपक्ष इस पर मन बनाए कि इसमें किस तरह के प्रावधान हैं, और एक और उनका यह कहना है कि फिर डेमोक्रेसी किस बात की रह जाएगी, अगर मान लीजिए कोई अल्पमत में सरकार आती है किसी स्टेट में तो फिर क्या माइनॉरिटी सरकार मतलब चलती रहेगी? देखिए वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन
अगर ये निर्णय भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट ने लिया है तो ये देश हित में निर्णय है और देश की 140 करोड़ जनता के हित में निर्णय है। और बहुत ही आदर के साथ सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है उस कमेटी में बहुत लंबे समय से लगातार लोगों से विचार विमर्श हो रहे हैं, लगातार लोगों से जो राय मशवरा किया जा रहा है, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, अपने अपने चाहे वो विपक्ष के दल हो चाहे पक्ष के दल हो, सभी ने अपने अपने सहमति विचार दिए हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन की सहमति जताई है और मुझे लगता है ये देश के हित में है और लंबे समय तक देश को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूं और ये बहुत ही अगर निर्णय ये हुआ है तो बहुत ही मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, इस कदम का मैं जितना ठीक है सर, आपका दावा है कि ज्यादातर पार्टियों ने इससे सहमति जताई है और अब उम्मीद की जा रही है कि शीत सत्र में ही पार्लियामेंट में इसका ड्राफ्ट आएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि संख्या बल के लिहाज से राह कितनी मुश्किल कितनी आसान? देखिए, संख्या बल की हम चिंता नहीं करते हैं, जब देश हित में कोई निर्णय होता है तो ऐसे में लोग समर्थन आने के लिए समर्थन करने के लिए आते हैं और मुझे लगता है कि जब जब कोई बिल आएगा तब बिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी सदनों से पास होगा। कांग्रेस पार्टी की विशेषतर चिंता इस बात को लेकर है कि अगर कहीं अल्पमत की सरकार चुनी जाती है और मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाता है तो क्या वो सरकार चलती रहेगी और इस तरह एक आदत बन जाएगी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलने का? देखिए, कांग्रेस को अपने अंतर कि चंद्रयान 3 बहुत ही एक सफल मिशन था, चंद्रयान 3 वाज अ वेरी बिग सक्सेस एंड बेसिस दैट नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट द मैन्ड मिशन टू मून। उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे, लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है क्योंकि बिल्कुल। तो कुछ और अहम मुद्दों पर जानकारी दे रहे हैं अश्वनी वैष्णव, लेकिन एक देश एक चुनाव आज केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए, पहले फेज में सभी विधानसभा लोकसभा इलेक्शन हो, अगले 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी के चुनाव हो, चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट जो है वो तैयार करेगा। और न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, इंतजार हो रहा है कि कैबिनेट की तरफ से ब्रीफिंग दी जाए और उसमें काफी सारी डिटेल सामने आएंगी क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वो कह रही कोई ड्राफ्ट सामने आए, क्या इसमें कहा गया है, प्रावधान किस तरीके के हैं, तब तो इस पर खुल करके चर्चा हो। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं कि कैबिनेट की मोहर लगने के बाद अब पूरे ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए आप इस तरीके से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश देखें या उत्तराखंड देखें या फिर और जो दिल्ली देखें या फिर कर्नाटक देखें, महाराष्ट्र देखें, तमाम जो राज्य हैं, क्योंकि सबका जो विधानसभा चुनाव का जो टाइमिंग है, हर राज्य की अपनी जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव विधानसभा के एक साथ होते हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए और अलग अलग राज्यों की बात की जाए, सबकी टाइमिंग अपनी अलग अलग है। तो ऐसे में ये ड्राफ्ट है कि आखिर कैसे देश का चुनाव और सभी राज्यों के जो चुनाव हैं सबको एक साथ करके एक देश एक चुनाव की जो पद्धति है उसका जो ड्राफ्ट होगा वो कैसा ड्राफ्ट होगा, क्या सरकार लेकर के आती है, ये कहीं ना कहीं जब तक साफ नहीं होगा तब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो इस पर रिएक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने खुद बताया कि प्रमोद तिवारी या राशिद अलवी या तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है सरकार जिनको लेकर चल रही है और शायद मुझे लगता है कि कैबिनेट की ब्रीफिंग अब शुरू हो चुकी है तो कुछ देर में उन सारी चीज़ों को ज़रूर रखा जाएगा। पहली बात ये है कि आप देखती हैं कि अमूमन कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है चाहे देश का लोकसभा का चुनाव होता है, तो आचार संहिता लग जाती है, यानी कि सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, एक बड़े स्तर पर मैन पावर का इस्तेमाल होता है अगर एक देश एक चुनाव होगा तो, इससे कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों से बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर आप देखती हैं कि
चाहे कोई भी चुनाव हो, जहाँ तक कि पंचायत का ही चुनाव होता है या कोई भी छोटे से छोटा चुनाव होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि पूरी पूरी सरकारी मशीनरी को लगना पड़ता है, तमाम अधिकारियों की ड्यूटीज लगती हैं, तमाम पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वर्स दूसरे राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये पूरा एक इलेक्टोरल प्रोसेस रहता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सुरक्षा को लेकर के होती है वो पुलिस की भूमिका रहती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके डिप्लॉयमेंट के ऊपर रहती है। तो जो भी कोई भी चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता है, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और इस दौरान जो मशीनरी रहती है उनका मूवमेंट रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं जिस पर एक भारी अमाउंट खर्च होता है। तो यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर के जो फ़ायदे हैं उनको भी लगातार सरकार बता रही है कि इनके ज़रिए क्या फ़ायदे यहाँ पर होंगे, और ज़ाहिर तौर पर इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम आगे बढ़ाया जा रहा था। बिल्कुल, और कोविड कमेटी के जो प्रस्ताव हैं उनको आज मंजूरी दे दी गई है, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन इस पर जानकारी और डिटेल्स क्या सामने आती हैं उसके लिए इंतजार कैबिनेट की ब्रीफिंग का हो रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें विस्तार से बताया जाएगा। जो तमाम विपक्षी दल हैं इस धारणा और इस विजन को ही अनुपम खारिज करते आए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और कहा तो ये भी जा रहा था कि मुमकिन है कई जो घटक दल हैं उनसे भी सहयोग ना मिले, लेकिन संख्या बल के लिहाज से हम बात करें तो घटक दलों को जोड़ दिया जाए तो सरकार के पास संख्या बल लोकसभा के अंदर है, लेकिन क्या सभी घटक दल साथ देंगे? अब उसमें टीडीपी की क्या राय है वो जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, जेडीयू क्या सोचती है ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी पहले से इस पर दो कदम पीछे हटा करके चल रही है, समाजवादी पार्टी ने अभी तक इस पर पत्ते नहीं खोले हैं, हर कोई कह रहा है कि ड्राफ्ट सामने आए तब हम इस पर फैसला लें। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार में है और जो सरकार से बाहर हैं, ये समझने वाली बात ये है, क्योंकि यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है, ऐसे में आपको अपने साथ जिनको भी लेकर चलना है, जो आपके साथ चल रहे हैं क्या वो इस पर सहमत हैं? जब कैबिनेट की मंजूरी मिली है तो इसके बाद, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसको लेकर के आएगी सरकार, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या बाकी जो सहयोगी जो कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें जो बाकी दल हैं क्या उनसे इस पर सहमति बन गई है, और जो सबसे बात विपक्षियों की बात है वो तब तक जब तक कि इसका ड्राफ्ट या तमाम चीज़ें सामने नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से आप देखिए,